आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए रीजनिंग के चैप्टर टू फाइंड हिडन फिगर, मतलब कि छुपे हुए चित्र का ज्ञात करें, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को टाइप वाइज करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से जो है आपको एक प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आपको इसको पढ़ना है। मैं इसके पहले जो है प्रीवियस 9 या 10 वीडियो मैं बना चुका हूँ इस चैप्टर वाइज। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वह सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। आपके एग्ज़ाम भी उससे काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जो है पूरे कंसेप्ट के साथ आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। तो चलते हैं छुपे हुए चित्र को ज्ञात करने के लिए चैप्टर के आगे। तो जैसे कि मेरा पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए यह प्रश्न जो है आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उत्तर आकृतियों में से जो है उस आकृतियों को चुनने जिसका प्रश्न आकृतियों से अंतर्निहित है। मतलब कहने का अर्थ है कि यह जो हमारा प्रश्न आकृति है, इससे जो है कोई ना कोई हमारा चारों ऑप्शन में से जो है मैच करता होगा, उसको ढूंढना है। तो देखिए इस तरह का एंगल जो हमारा यह है और फिर ऐसे गया हुआ है यह वाला, इस तरह का एंगल जो है आपको ऑप्शन में कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो देखिए पकड़िए आप ऑप्शन वन को, तो देखिए ऑप्शन वन आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन वन में यहाँ आपको दिखाइए, फिर यहाँ पर जो है ऐसे गया हुआ है, फिर यहाँ भी गया हुआ है, फिर ऐसे आया हुआ है, फिर आपको ऐसे आया, देखिए। तो यह वाला जो फिगर है क्या ऐसे मैच कर रहा है? मैच कर रहा है, लेकिन अभी हम सही उत्तर तो देख नहीं सकते, सब ऑप्शन को चेक करना है। देखिए यह वाला ऑप्शन में आपको ऐसा लग रहा है, इसमें तो लग ही नहीं रहा था, ये कट जाएगा। इसमें आपको लग रहा है, देखिए इसमें आपको ये वाला दिख रहा है, ऊपर से यह वाला दिख रहा है, यह वाला आ गया है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो है आधा नहीं है बल्कि ये पूरा है। तो यह हमारा क्या होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीन नंबर, चार नंबर ऑप्शन को देखिए, तो इसमें भी जो हाफ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये छोटा दिया हुआ है, हमें बड़ा यहाँ दिया हुआ है, ये तो बड़ा दिया हुआ है, यहाँ पर हमें छोटा दिया हुआ है, तो मतलब कि इसका ये भी नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए जो है यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो हिडन फिगर जो है ऑप्शन ए वाले फिगर में छुपा हुआ है। देखिए ऑप्शन ए वाला फिगर यही ना है, इस तरह के जो है आपका बना हुआ है यह वाला, देखिए यहाँ से आपका इस पर गया हुआ है, यहाँ पर ये गया हुआ है, और ये वाला जो था आपका इस पर था। ये ऑप्शन में आप दिख रहे हैं ना कि हमारा हिडन फिगर जो है हमारा यहाँ पर मिल रहा है। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर ऐसे आया हुआ है, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आकर फिर यहाँ पर हो गया। तो ये वाला देखिए इस तरह से आपको मिल रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये जो आपका चित्र जो है यह प्रश्न आकृति है, इसको जो है आपको उत्तर प्रश्न है, और उत्तर जो है आपको इसमें से ढूंढना है कि यह ऐसा वाला जो यह हमारा जो ऐसे दिख रहा है यह बना हुआ, यह हमारा कहाँ पर जो है हिडन फिगर जो है छुपा हुआ है। देखिए तो ये वाला ऑप्शन में दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन को देखें तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कि इसमें है, देखिए ए वाला ऑप्शन में नहीं दिख रहा, कट देंगे। दो नंबर ऑप्शन जो है दिख रहा है, देखिए यहाँ से जो है मुड़ा हुआ है ये, और इस ऐसे गया हुआ है, देखिए दो बार मुड़ा हुआ है। ऑप्शन जो आपका बी नंबर है इसमें जो है आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको जो है नज़र आते हुए दिखेगा। ऑप्शन बी में जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर। ऑप्शन सी में देखें, इसमें भी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें उल्टा बना हुआ है। अगर मान लेते हैं कि अगर बना होता तो यहाँ देखिए उल्टा थोड़ा सा लग रहा है ना यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन डी देखिए ये भी नहीं बना लग रहा है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह वाला जो फिगर है ऑप्शन बी में जो है आपको बनते हुए यहाँ से जो है नज़र आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर जो है आपको बनते हुए नज़र आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न आपका तीन नंबर जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो देखिए यह जो फिगर है प्रश्न आकृति है, हमें उत्तर आकृति में ढूंढना है कि इस तरह का जो हमारा फिगर है वह कहाँ पर बन रहा है। देखिए इस तरह का जो हमारा आकृति है वो कहाँ पर बन रहा है। ऑप्शन में आप चेक करें तो देखते हैं पहले वाले ऑप्शन में, तो क्या पहले वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है इस तरह का फिगर? देखिए अगर यहाँ से ऐसे करते हैं या एक एंगल लेते हैं ये नीचे वाले भी, तो ऊपर से तो नहीं है, तो कट्टम कुट्टम हो गया, ये नहीं हो रहा है। सेकेंड को देखें, क्या सेकेंड में बन रहा है? देखिए सेकेंड में जो है आपका बन रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सेकेंड में बनेगा आपको। यहाँ से देखिए फिर ये जो है यहाँ से आया हुआ है एम, और यहाँ से जो है आपका ये कट गया है। देखिए ये जो हमारा फिगर है इसमें बन रहा है, देखिए इसमें बन रहा है, लेकिन इसमें क्या बन रहा है? ऑप्शन सी नंबर भी देख ले, सी नंबर में देखिए तो नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा? नहीं बन रहा है, इसमें नुकीला भाग है ही नहीं। ऑप्शन डी नंबर में देख रहे हैं तो नुकीला भाग है, लेकिन आपका क्या है कि यह जो है तिरछा होकर ऐसे आ गया है, जो कि हमारा इस तरह का जो है ऊपर वाली फिगर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर जो देख रहे हैं इसमें आपका फिगर बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऑप्शन बी नंबर देखिए ध्यान से आपका बनता हुआ नजर आएगा।
मैं इसको रब कर दूं ताकि आपको फिर से मैं एक बार और समझा दूं इस प्रश्न को। देखिए ऑप्शन बी में देखिए कि आपको यह फिगर बनता हुआ नजर आएगा, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। देखिए मैं ब्लू लेता हूँ कलर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे कि यह जो हमारा एंगल टॉप से आया हुआ है, यह एम हमारा हो गया, ये देखिए एम पहले मैं लिख दिया। अब यहाँ पर हम मेरा देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारा क्या है, एम है, और एम के बाद जो है हमारा ये ब्रैकेट नुकीला भाग सटा दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये नुकीला भाग सटा हुआ है। तो ये हमारा फिगर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, प्रश्न आकृति 3 नंबर। तो देखिए इस तरह का फिगर जो है आपको नीचे वाले ऑप्शन में 4 नंबर ये प्रश्न है कहाँ दिख रहा है। तो देखिए ऑप्शन को मिलाना शुरू करेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए को मिलाते हैं अगर, तो हमारा यह जो है थोड़ा सा मान लें कि इसको हम अगर रिटेंगल मान लें तो इसमें रिटेंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है छोटा सा, देखिए। लेकिन क्या इस तरह का दिख रहा है, देखिए तो ऐसे क्या हुआ है, सीधा सा चला गया ना, ये देखिए ये सीधा सा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं, इसी तरह छट गया। अब इसमें देखिए इसमें मेरा गया हुआ है, देखिए इसमें यह मान लें कि थोड़ा गया हुआ है लेकिन चौला गया हुआ है। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ देखिए यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है कि नहीं देखिए। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा रिटेंगल है अंदर, है कि नहीं है, देखिए रिटेंगल है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है, ऊपर से वो तिरछा भी होना चाहिए, यहाँ तो तिरछा है ही नहीं, तिरछा नहीं है वो, तो सीधे सीधा आ गया। देखिए अगर मिलाते भी इसको है तो ये तिरछा नहीं है, सीधे सीधे आ गया है। अब इसको पहले रब कर लूँ। अब देखिए अब मैं इसको रेड से समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ ताकि आपको आसानी से जो है समझ में आए। ये प्रश्न आकृति का जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका डी होगा। कैसे होगा, इसको देखिए फिगर बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए आपका ये छोटा वाला भाग नीचे बना, बना कि नहीं बना, फिर ये ऐसे गया और फिर देखिए यहाँ से ऐसे गया और ये वाला यहाँ जाकर देखिए आपका ये बन गया। यह वाला आकृति जो है आपको इस आकृति में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया। इस तरह के प्रश्न करने के लिए जो है आपको ऑप्शन से पकड़ना पड़ेगा और हिडन फिगर से जो है आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो देखिए आपको समझने के लिए सबसे पहले जो ऑप्शन को जल्दीबाजी में नहीं करना है बल्कि एक एक करके चेक कर लेना है। 1 से 2 मिनट लगेगा, आप बना लेंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, आपके आंसर आ जाएंगे और आपको नंबर भी मिल जाएंगे। यह प्रश्न देखिए, प्रश्न आकृति को देखिए, यह फूल जो है कहाँ पर आपको दिख रहा है। तो देखिए सब में कुछ ना कुछ फूल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फूल है वह किस तरह से, देखिए इस तरह से बना हुआ है ना, बना इस तरह से, या फूल जो है इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर एक एरो है और यहाँ पर जो है बीच में ऐसे तीन बार किया, देखिए 1, 1, 2 और ये 3 किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर फूल तो बना हुआ है लेकिन फूल में ऐसे बीच में काट दिया है ना, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें डंटी नहीं लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखें, ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। तीसरा ऑप्शन में देखिए डंटी लगा हुआ है, बूंदा भी देख ले, 1, 2 और ये 3 दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए ये ऐसे गया हुआ है और ऐसे चला गया। यहाँ पर देखिए ये फूल के बाद, देखिए ये आपको दिखा फूल के बाद, ऑप्शन नंबर 3 को देखें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, मतलब कि ऑप्शन आपका जो 3 नंबर है वो आपका सही उत्तर है, मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए फिर से एक बार इसको दूसरे कलर से देख ले ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए यह जो बीच में जो आपका फूल बना हुआ है और ये मान लें कि फूल हो गया, अंदर भी आपको उसी तरह का डॉटेड दिख रहा है। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको 3 नंबर जो है फूल यह नज़र आता हुआ आएगा। देखिए और ये डंटी यहाँ भी जो है, डंटी भी है यहाँ से, है कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। यह आकृति आपको कहाँ दिख रहा है, पहला ऑप्शन देखें, दिख रहा है कटा हुआ है, ऊपर कटा हुआ है, देखिए ये कटा हुआ भाग हमारा है, मतलब कि इस तरह से बना हुआ है, दिखा देता हूँ, रुकिए। यह प्रश्न क्या है हमारा, इस तरह से जो है हमारा कटा हुआ भाग है, इसमें कटा हुआ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा पता चलेगा कि कहाँ कटा हुआ भाग है भाई। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कटा हुआ यह भाग आपको नज़र आ रहा है, रेड कलर से देख लेता कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको समझ में आया, देखिए यहाँ पर ये हमारा कटा हुआ भाग और ये हमारा गोल, मतलब ऑप्शन डी आपका जो है इसका आंसर सही है। बाकी सब में देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। देखिए हमारा कटा हुआ भाग सब में है लेकिन बहुत कम है, और बोलेंगे कि सर ऑप्शन बी भी हो जाना चाहिए, लेकिन देखिए ऑप्शन बी में क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है आपको, ये कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पर छोटा है कि नहीं। अब ऑप्शन ए में देखें तो ये तिरछा दिख रहा है थोड़ा सा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी देखिए एकदम सटीक दिख रहा है। समझ में आ गया, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका ये देखिए, ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। देखिए यह आकृति जो है कौन से फिगर में आपको दिख रहा है, तो देखिए इस तरह गया हुआ है, मतलब कि क्लॉकवाइज भी गया हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज भी गया हुआ है। देखिए क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपको ऑप्शन नंबर चेक करें, एक एक ऑप्शन को आप चेक करेंगे ताकि आपको किस में समझ में आ रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन में देख रहे हैं कि यहाँ पर, कि देखिए यहाँ पर तो एक गया हुआ है क्लॉकवाइज,
और एक गया हुआ एंटी क्लॉक वाइज, और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन भी दे दिया गया है और एक सर्कल भी बीच में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर्कल भी दे दिया गया है। तो आप ऑप्शन को चेक करेंगे तो क्या समझ में आ रहा है कि पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब दूसरे ऑप्शन को देखें तो इसमें एक स्माइली बना हुआ है जो कि एक ही तरफ से एंगल जा रहा है, मतलब कि यह जो है एक तरफ से क्लॉक वाइज भी जा रहा है, एक तरफ से नॉन क्लॉक वाइज जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, दो तरह का होना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी जो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन थ्री नंबर को देखें तो इसमें देखिए कि हमारा यह डायरेक्शन जो है सही है, जो ऊपर वाले फिगर में हमको प्रश्न आकृति में दिख रहा है। तो ऑप्शन यह देख रहे हैं जो सी वाले, इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो एक ही तरफ से, तो कट गया डी। तो हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न आपका जो है एट नंबर है और ये काफ़ी इजी प्रश्न है। इसमें आपको प्रश्न आकृति दिया हुआ है और आपको उत्तर आकृति ही ढूंढना है। तो इसको देखिए, यह हमारा क्या है, एक हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक बीच से जो है लाइन खींची हुई है और यहाँ पर जो है थोड़ा सा कर्व है। तो यह वाला फिगर जो है आपको हिडन फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं कि ट्रायंगल तो है लेकिन इसमें जो एरो दिया हुआ है वो हाफ दिया हुआ है, नीचे की तरफ नहीं आया, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन में देख रहे हैं कि हमारा यहाँ जो है ट्रायंगल दिया हुआ है लेकिन ट्रायंगल के साथ साथ क्या है कि जो हमारा बीच में भी एक ट्रायंगल दे दिया है जो कि ऊपर वाले फिगर में सिर्फ कर्व है, कर्व तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ बीच में एक ट्रायंगल भी दे दिया गया है बीच वाले ऑप्शन में, देखिए बीच वाले ऑप्शन में, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थ्री को देखें तो देखिए यहाँ जो है, यहाँ भी जो आपको ऑप्शन नंबर थ्री क्या दिख रहा है कि आपको यहाँ पर देखिए कि एक तो ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ कर्व दिया हुआ है और बीच में क्या किया है कि आपको जो है देखिए यहाँ पर एक और ट्रायंगल अंदर दिया, लेकिन ट्रायंगल हमको उससे मतलब नहीं है बल्कि हमको एरो से भी मतलब है, जो कि हमारा यहाँ पर जो एरो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, मैं उसको रब कर दूँ। तो देखिए यहाँ पर जो एरो दिया हुआ है इसमें भी हमारा यहाँ एरो दिया हुआ है, बाकी इसमें ना एरो है ना इसमें है ना इसमें है। देखिए पकड़ने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि यह वाला नीचे एरो देखने के यहाँ पर दिया हुआ है हमारा प्रश्न आकृति में, तो उत्तर आकृति में भी हमारा वो एरो नीचे होना चाहिए जो रेखा है। तो यहाँ रेखा तो है नहीं, तो कट गया, यहाँ भी रेखा नहीं है तो ये भी कट गया, इसमें है तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी को भी चेक कर ले तो इसमें हमारा रेखा नहीं है तो ये भी हमारा कट जाएगा। आप समझ गए किस तरह आपको पकड़ना है, एक रेखा के माध्यम से आप आंसर को पकड़ सकते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह प्रश्न आकृति है और आपको उत्तर आकृति में से जो है ढूंढना है कि आपको यह प्रश्न आकृति जो है कहां पर इस उत्तर आकृति में जो है फिट बैठ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए को देखिए, तो क्या ऑप्शन ए में देखिए कि दो यहां पर जो है क्या है कि आपका स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर में देखिए कि आपको इस तरह से एक एक स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर और इसमें जो है आपको एक लाइन खींचकर जो है उससे जो है एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो ट्रायंगल जो है पूरी तरह से सटा नहीं है बल्कि वो हाफ हाफ ही कट गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन को चेक करें, यहाँ दो ट्रायंगल तो आपको दिख रहा है, अब देखिए ये बीच वाले लाइन भी दिख रहा है, ये ट्रायंगल हमारा दिखा, सॉरी यह हमारे स्क्वायर दिखा, यह भी हमारे स्क्वायर दिखा, यह देखा आपको, और यहाँ पर देखिए एक एरो भी इस तरह दिया हुआ है जो कि शॉर्ट नहीं रहा है। अब शॉर्टने की बात आ रही है तो देखिए इसी से हम इन सब पकड़ लेंगे, यहाँ जो है हमारा शॉर्ट नहीं रहा है, बाकी ऑप्शन को देखें ऑप्शन बी में क्या है, यहाँ पर शॉर्ट गया है, शॉर्ट है मतलब कि जुड़ गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ भी जो है जुड़ गया है, देखिए ये भी जुड़ गया है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी तो इसी तरह नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो है दो बार जो है कर्व मतलब ट्रायंगल बनाने की कोशिश की गई, तो ऑप्शन डी होगा नहीं, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो कैसे, देखिए मैं चेंज कलर चेंज करके बता दूँ कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको एक यहाँ पर स्क्वायर बना, दूसरा इसके अंदर स्क्वायर है और इसमें जो है कि यह ट्रायंगल जो बन रहा है वह पूरी तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट नहीं रहा, देखिए यहाँ पर तो है थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना, ऐसे आ रहा है मतलब गिर रहा है, बाकी सब ऑप्शन में देखेंगे कि आपको यह शॉर्टता हुआ नजर आएगा इसमें 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 इसमें, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न आपको 11 नंबर दिख रहा होगा, इस पर देखिए ये 10 नंबर प्रश्न है, इस तरह का फिगर जो है आपको ये प्रश्न आकृति है उत्तर आकृति में जो है आपको कहाँ दिख रहा है। तो देखिए पहले ऑप्शन को पकड़ेंगे तो पहले हम देख लेते हैं जो हमारा ये कर्व आधा बना हुआ है और यहाँ से ऐसे क्या हुआ है, ट्रायंगल कितना बना हुआ है देख ले, थोड़ा सा क्या हुआ है, एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, दो ट्रायंगल और तीन ट्रायंगल जो है हमारा बना हुआ है, मतलब कहने का अर्थ है कि मैं कलर चेंज करके बता दूं, देखिए यहाँ पर कि यह जो हमारा हुआ है एक ट्रायंगल हो गया, नीचे से दो ट्रायंगल और यह हमारा तीन ट्रायंगल, आपको समझ में आ गया। देखिए मैं एरो भी लगा देता हूँ, इस तरह के आप देखिए तीन ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, आपको कर्व तो सब में दिखेगा, यहाँ देखिए आपको एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, ये तीन ट्रायंगल, ये चार ट्रायंगल, ये पांच ट्रायंगल, मतलब कि ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं डी में। यहाँ भी देख ले, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, ये चार ट्रायंगल, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए एक, दो और तीन और ये नीचे चार, ये भी आपका नहीं होगा, देख रहे हैं आप, ये भी आपका जो है नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शन आपका जो है ए नंबर जो है, ध्यान से देखिए तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक ट्रायंगल यह, एक दूसरा यह
और ये आपका तीसरा, मतलब कि ऑप्शन आपका ए जो है सही आंसर इसका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये 11 नंबर प्रश्न, ये वाला प्रश्न जो है आपको आकृति में दिखा हुआ है और आपको जो है ढूंढना है कि यह जो आकृति हिडन आकृति में कहाँ पर है। तो आप ऑप्शन वन से चेक करेंगे, तो जैसे कि आप देखिए ऑप्शन ए वन को ही देख ले, देखिए यहाँ भी जो है आपको एक लाइन आया हुआ है और ये जो है आगे गया हुआ है और यहाँ पीछे भी गया हुआ है और यहाँ पर जो है छोटा सा आपको यहाँ पर मान सकते हैं। देखिए पहला जो ये कर्व गया हुआ है, पहले हम छोटे से मान सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आया, ये गया और ये, और यहाँ पर मेरा रुक गया ये। अब दूसरे ऑप्शन को देखें तो दूसरा ऑप्शन जो मान लें कि अगर सीधा ये गिरा हुआ है या तो इतना ही गया है, नीचे तो बना ही नहीं, तो दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं। ये गया, ये और ये, तो ये तो पूरा चला गया है, तो ये भी नहीं होगा। मान लें ये गया हुआ है, यहाँ आया, यहाँ और ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके आगे नहीं दिया गया है, मतलब कि ऑप्शन आपका कौन है, ए नंबर। जो ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑप्शन ए नंबर जो है आपको समझते हुए इसका आंसर आ गया। जैसे देखिए यहाँ पर मैं बना दूँ, ये देखिए ये आपका पहले ऐसे फिगर बना हुआ है जो कि इस तरह से गया हुआ है। देखिए ये आपका, लेकिन हमको जाना कहाँ था, मैं आपको फिगर पूरा बना के दिखा दूँ। देखिए ये हमारा फिगर जो है ऑप्शन ए का, इसका आंसर होगा। कैसे होगा? कलर चेंज करके मैं दिखा दूँ। देखिए हमारा जो आकृति फिगर है क्या है, यहाँ से आया हुआ है, ये आगे भी गया हुआ है, देखिए आगे गया है, फिर हमारा इधर भी गया हुआ है बैक में, और फिर हमारा नीचे आकर ये फर्स्ट रो तक ही रुक गया है। हमारा आगे भी दिया हुआ है लेकिन हमें कितना रुकना है, फर्स्ट रो ही तक रुकना है। तो यह हमारा आकृति जो है इसमें बनते हुए नजर आ रहा है। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको आकृति बनते हुए नजर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब हम इसके लास्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि यह चैप्टर का जो है लास्ट प्रश्न है। इसके बाद इस चैप्टर को हम एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अलग अलग तरह के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ये प्रश्न आकृति को देखें और आप ढूंढना है कि आपको उत्तर आकृति में जो है आपको यह कहाँ दिख रहा है। तो देखिए यह आपका क्या है, एम बना हुआ है और एक उल्टा एम बना हुआ है। देखिए दो एम है, एक जो है आपका ऊपर से बना हुआ है और दूसरा जो है आपका नीचे से बना हुआ है। तो यह दो एम जो है आपको किस फिगर में दिखते हुए नजर आ रहा है? तो देखिए अगर हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक ही एम दिख रहा है, दूसरा एम दिख रहा है। देखिए दूसरा एम दिख रहा है लेकिन ये शॉर्ट जा रहा है, यहाँ पर शॉर्ट जा रहा है कि नहीं शॉर्ट रहा है, तो हमारा तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब इसको देख ले तो इसमें तो ऑप्शन बी में तो एम बन ही नहीं रहा है, नहीं ना बन रहा है, कहाँ बन रहा है। अगर हम ऑप्शन थ्री को देखते हैं, मतलब सी को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि हमारा एक एम तो ऊपर से बन रहा है, ये एम बन गया, लेकिन नीचे से तो एम बन ही नहीं रहा है, तो इसका भी आंसर नहीं होगा ऑप्शन सी। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब कैसे बन रहा है भाई, कलर चेंज करके देख ले ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से आपका एक एम जो है ऊपर से बन रहा है और दूसरा एम देखिए जगह छोड़कर यहाँ पर सटा हुआ नहीं ना है, ये जो हमारा एम ऊपर से एक बना था और इसी को जो है एक नीचे से एम बना था, बीच में गैपिंग था, तो यहाँ भी देखिए बीच में गैपिंग है, बाकी सब में देख रहे थे कि सटा हुआ था लेकिन यहाँ गैपिंग है। तो मतलब कि ये हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन आपका चार नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।